Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me, ZenFS, welcome to my next video. So, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो मेरी मॉर्निंग रूटीन वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट मेरा एक इवेंट आ रहा है, उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी. तो आज फाइनली वो इवेंट आ चुका है, तो मैं आपको अपनी लुक दिखा देती हूँ आज की. और आज है हमारा MUN का फर्स्ट डे, ठीक है. तो मैं आप लोगों को सारा MUN दिखाऊंगी कि कैसे कैसे होता है. वैसे मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसका, बस मैं इसकी मैनेजमेंट में हूँ, तो तीनों दिन मेरा फ्री के फ्री होगा. तो अभी हम लोग अपनी आउटफिट के लुक दिखाते हैं, उसके बाद मामा से कहते हैं कुछ खाने में दें, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है. पता है ख्वाब में ना, मैं मतलब जब मैं ड्रीम आ रहा हूँ, मैं ड्रीम में खटूंच रही हूँ, मतलब ख्वाब भी मुझे खाने वाले आ रहे हैं. खैर मैं आपको अपनी लुक दिखाती हूँ. ओके, सो ये मेरी लुक है. ऊपर ये मैं नीचे जॉगर्स पहने इसलिए सोचा, वरना ये भी पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने ये इसलिए नहीं पहने क्योंकि वो मैं पहनती रहती हूँ इसे. मैंने ये पहना, ये बैग पकड़ा है, और ये खाली शर्ट नहीं है ऊपर, ये मतलब अटैच है इसके साथ, और ये ऐसा है, ठीक है. आप लोगों ने मेरा आउटफिट देख लिया, ठीक है. तो अगर मेरा आउटफिट अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मैं अपना मेकअप भी दिखा देती हूँ, देखो खुद किया मैंने अपना मेकअप, मतलब वैसे तो मैं खुद ही करती हूँ इतना प्यारा मेकअप. आज का भी मेकअप देखो. चलो अभी मामा के पास जाते हैं, और क्योंकि मम्मा मुझे अभी किचन में आवाजें आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से मम्मा दो स्लाइस अब मैं खाऊंगी ब्रेड जो भी मम्मा बना के रहती हैं. तो लेट्स गो. ओए गाइस, तो रात को राबे की बर्थडे थी, ठीक है. हम लोगों ने उसको बहुत हैवी किस्म का सरप्राइज दिया था. एज यू गाइस कैन सी, ये बलून्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं. ये मतलब हम तीनों बहनों ने, मतलब फातिमा, मैंने, हिरापी ने मिलके किया था सारा. पीछे भी था, लेकिन हम लोगों ने वो रात को ही उतार दिया था, क्योंकि ना पता नहीं वो सफाई वगैरह सुबह होनी थी, तो हमने कहा दीवार वगैरह खराब ना हो, जिसलिए उतार दिया. अब ये वाले उतर नहीं रहे हैं, खैर. और आज राबे की बर्थडे, और आज मेरा इवेंट भी है. आज मैं राबे की बर्थडे भी नहीं मिस कर सकती, और अपना इवेंट भी नहीं मिस कर सकती. लास्ट टाइम मैंने हिरापी की बर्थडे पर भी नहीं गई थी, तो इस बार तो मेरा यार जाना बनता है. तो हम 6 बजे मैं फ्री होंगी, और 6 बजे राबे बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, तो मैं फ़ौरन घर आऊँगी, और घर से डायरेक्ट हम जाएंगे राबे की लोकेशन पे. तो वहाँ जाके मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगी, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने इवेंट पे. हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. जैनब का ब्रेकफास्ट इतना वो होता है ना, इजी. क्या मेरा ब्रेकफास्ट होता है, वो जो एक क्रीम नहीं होती है, वो जो मिल्की मिल्की सी होती है वो, और उसके ऊपर लगा दो चीनी. पहले मैं शक्कर भी लगाती थी, वो चॉकलेट ही टेस्ट देता था. अब मैं ये मेरा रेडी हो गया, अब बस खाने की बारी हो, और फिर हम लोग चलते हैं इवेंट के तरफ. तो आपको दिखाते हैं. टाइम से पहुंचना राबे की बर्थडे, मिस नहीं करनी. टाइम से ही पहुंचूंगी, क्योंकि मुझे पता है राबे की बर्थडे, इस बार मैं राबे की बर्थडे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने हिरापे की भी की थी. अब बस खबर तो निकाल दो कि मुझे पैसों के लिए चैलेंज है कि जल्दी पहुंचोगे. मम्मा चैलेंज छोड़ दें, बस मैं कह रही हूँ ना 1.5 घंटा पहले पहुंचूंगा. मुझे ना 3000 रुपया देना है आपने, क्योंकि मैंने उसकी, वो हमारा ट्रिप जा रहा है यार एक जगह, बल्कि 4000, 1000 खर्च भी तो करना है वहाँ पे. 3000 वो ट्रिप जा रहा है हमारा, जॉयलैंड ट्रिप जा रहा है, पता है आप सबको, मंडे को. वो भी आपको दिखाऊंगी. तुम्हारा खर्चा बढ़ता नहीं जा रहा है. कहना बड़ी होती जा रही है, एज बड़ी होती जा रही है, बुढ़ी होती जा रही हूँ मैं, तो खर्चा भी तो बढ़ता जाएगा ना. चलो अभी हम ये खाते हैं. अभी लचो. और गाइस, सो फाइनली वो पिक्चर्स के लिए बुला रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम से जाके ना एक बैज लेना, और ये बेचारी ऐसे ही घूम रहे हैं जब तक मेरी पिक्चर्स हो रही है, क्योंकि अच्छा ये कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाके अपना बैज लेते हैं, और लेट्स गो. जो वो है ना MUN वगैरह वो स्टार्ट होने लगा, और ये एक मेरी दोस्त है जो अपनी शक्ल दिखाना पसंद नहीं करती है, वो यू नो आजकल एस्थेटिक लगता है, ये अपनी शक्ल ही दिखा रही है. कर रही हो पार्ट इसमें? नहीं, मैं डायरेक्टरेट में हूँ. और गाइस, तो यहाँ पे जो है वो अब इनकी स्पीच वगैरह होगी यहाँ पे. और गाइस, तो आज जो डे है ना वो है, मतलब यहाँ पे ग्लोबल का कोई वो होगा, वहाँ पे उनकी स्पीचेस वगैरह, तो यहाँ पे इन्होंने जमीन पे लगाया वगैरह हुआ है. As you guys can see, यहाँ पे इनका काम वगैरह हो रहा है. अभी हमारी पिक्चर्स वगैरह दोबारा हुई थी, वो हो चुकी हैं, और वहाँ पे शांति मैडम मेहनत भी काम करी, मुझे मेरी ड्यूटी कही थी पता, सबसे अच्छी बात है, सुनो. अभी देखते हैं, पूछते हैं क्या है मेरी ड्यूटी, तो वो करते हैं. ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है एक कमेटी हो रही है, वो हो रही है यहाँ पे. बाकी कमेटीज वगैरह जो होती है वो भी आपको ऐसे समय दिखाती रहती है. ओके गाइस, यहाँ पे दूसरी कमेटी हो रही है, मैं आपको बाई बाई सारा दिखाती रहती हूँ. ओके गाइस, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए अब हम लोग खाएंगे यहाँ से डंपलिंग्स खाएंगे. इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी हो रही है ना, और अभी हमारी ड्यूटी जो है वो, मतलब अभी पता भी नहीं है ना, हम फ्री घूम रहे हैं पूरा, इससे कुछ पेट पूजा कर रहे हैं, उसके बाद दिखाते हैं, और फिर देखते हैं कब फ्री होती है, और राबे की बर्थडे पे जाते हैं. ओए गाइस, सो मम्मा की कॉल आई है कि राबे की बर्थडे है, तो जल्दी जल्दी घर आओ. मैं अपना इवेंट आधा छोड़ के जा रही हूँ, मतलब अभी भी इवेंट पड़ा था. अभी टाइम हो रहा है कोई 5:49, और मेरी मैम कहती है कि कहाँ पे बेटा, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ इवेंट, मतलब 6 PM से ऑनवर्ड्स था. तो अब मैं भागी भागी बस घर जा रही हूँ, ठीक है, ड्राइवर अंकल लेने आ गया. अब हम चलते हैं घर की तरफ, और घर के हालात देखते हैं,
पता नहीं ये लोग चले ना गए, ऑब्वियसली नहीं गए होंगे यार मेरे बिना। तो मामा ने कहा है जल्दी जल्दी घर आओ सही है, और मैं वहाँ पे अब कुछ ले भी नहीं पाई क्योंकि ऑब्वियसली घर जाना पड़ रहा है, तो जल्दी से लेट्स गो क्योंकि मैं राबे की बर्थडे मिस नहीं कर सकती। ओके गाइस, सो आप लोग मेरे कपड़े चेंज देख रहे हो और मुंह अगर गंदा है तो इग्नोर करें क्योंकि मैं डोनर खा रही हूं। अभी भी राबे की छोटी सी बर्थडे की है फातिमा ने, वो आप उसके जरिए में जाके देखें। दूसरा मैं आपको एक न्यू अपना आउटफिट दिखा देती हूं। ये मैंने अपना आउटफिट, जैनम ने बहुत अच्छा काम किया, टाइम पे आई, आई लव यू जैनम, आई लव यू मम्मी, टाइम पे आई, ऐसे अच्छे काम किया। आज का फातिमा का थीम है राबे का ब्लैक ब्लैक, तो मैंने दोबारा से ब्लैक पहन लिया। अब राबे की बर्थडे के लिए निकलते हैं और वहां जाके थोड़ा दिखाते हैं आपको, लेट्स गो। द नेक्स्ट डे, ओके गाइस, सो आज मेरे इवेंट का दूसरा डे और मैं राबे की बर्थडे आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरी वहां पे इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई यार कैमरा पकड़ के दिखाऊं सब कुछ। वो आप राबे के ब्लॉग पे देखे कि क्या क्या उसने किया अपनी बर्थडे पे। दूसरा अभी मैं जा रही हूँ अपने इवेंट पे, ठीक है। आज दूसरा दिन है, कल कवाली नाइट है, कवाली नाइट पे आज सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर्मल वो लोग डिनर दे रहे हैं हम सबको, मतलब जितने भी मैनेजमेंट वगैरह में, वो अपना बैच भी मैंने पहना है डायरेक्टरेट का जो भी कहते हैं। और आज खाना वाना भी खाएंगे फ्री में, लेकिन आज भी मेरी तबीयत ज्यादा एकदम नॉर्मल है, लेकिन अब मैं बाहर का खाना बहुत कम खाऊंगी, ठीक है, उसी की वजह से तबीयत सबकी खराब होती है। तो आप लोग भी बाहर का खाना ना खाएं। और दूसरा अभी चलते हैं इवेंट की तरफ और आपको थोड़ा बहुत दिखाती रहती हूँ, सही है। स्कूल से गंद नहीं खाना, पहले ही तबीयत खराब है, चाय पी लेना, थोड़ी सी कहवा पी लेना, मम्मा कहवा घर का ही पीऊंगी, घर आके पी लेना, और अभी जो मैंने खिला दिया इसी पे गुजारा करना और घर आके मुझसे। स्कूल में फॉर्मल डिनर भी दे रहे हैं, नॉर्मल सी चीज खाऊंगा, पेट पूजा करूंगी और फिर घर आ जाऊंगी शाम तक, 5 बजे तक आ जाऊंगी। ओके बाय। और गाइस, सो फाइनली मैं स्कूल पहुंच चुकी हूँ, ठीक है, और आपके साथ काम पे लगना पड़ा है क्योंकि पिक्चर्स वगैरह लेनी थी दूसरी क्लासेस की, वो मैंने ली है। अभी तक फॉर्मल डिनर नहीं हुआ, इस तक बोलना चाहिए कुछ सुनना ले, पता लगे आ गई है खाना खाने के लिए, तो अब चलते हैं आगे तक। लंच को मैंने देखा भाई ये कमेटी वगैरह चल रही है और इन्होंने कहा है कि भाई आप आकर बैठो, इन्होंने मुझे बिठाया, वेरी क्यूट सही है। काफी देर पहले हमने अपना इंट्रो देते रहे और अभी इधर इतना फन हो रहा था कि जैसे ही मैं बैठी, पता नहीं इतने लोगों ने वो होता है ना चिप्स वगैरह बनाते हैं, चिप्स वगैरह बनाने के बाद वो एनोमिनल जो भी रहते हैं उसने लिखे कि होता ही ठेर दो, कोई जयपुरी लाइन थी पता नहीं क्या थी और ऐसे ऐसे ढेर देते हैं, मतलब यार काफी फन है। मुझे लगता था एमियन ने इसका इतना बोरिंग, लेकिन आई थिंक अब अच्छा लगता है, ठीक है। अभी वो यहाँ बैठे ना इसलिए अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जादू बिल्कुल। अब कहाँ पे जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं पीएनए में रेड करने। अच्छा, बाकी कमिटीज में जा रहे हैं रेड करने? चलो हम लोग जाते हैं, पेपर्स फेंकेंगे, उनको तंग करेंगे और होपफुली नहीं निकाल जाएंगे। मैं क्या बात कर रही हूं, तो मैं भी जाऊंगी साथ। ओके okay, मैं साथ जाऊंगी और हम लोग फिर करते हैं रेट जो भी करना होगा। लेट्स गाइस, यहां पे पता नहीं क्या हो रहा है, ये लोग कमेटी वगैरह हो रही है, लोग लड़े यहां पर, पता नहीं रेट कर रहे हैं, हर कमेटी में जाएंगे और पता नहीं ऐसे करके चेक करेंगे। अच्छा तो गाइस, हम नीचे की पता नहीं किसी कमेटी में जाके इन्होंने शोर वगैरह करने यहाँ पे किया, लेकिन जो दूसरी टीम थी उनका ज्यादा शोर निकल आया था, तो उन्होंने वाला ज्यादा अच्छे से किया। अभी आप लोग शोर सुन सकते हो, तो मैं आपको नीचे आके दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो आप लोग चार ड्रिंक्स मिक्स करके पीनी है उन्होंने। लोग आए थे तेरे चांद Asking for selfies. वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, जिसके लिए हमने सारा जमाना छोड़ दिया। अगर यार, तो इनको डेयर मिला गया है कि यहाँ पे इन्होंने इनको प्रपोज करना। और ये डेयर किसने दिया? ये डेयर दिया है, अच्छा दूसरी लड़की ने दिया, हाँ अच्छा किसी बच्चे ने दिया, चलो जब डेयर होगा तो अभी भी अच्छा ही लग रहा है। Let me think, I'm trying to mix it's up all right, sorry, take your time, main idhar hi main nowhere to be, teri aankhon ki namkeen mast hai, teri hansi ki beparwaahi sta, teri zulfon ki leh rahti hain angraiyan, nahi bhulunga jab tak hai jaan, jab tak hai jaan, kuch kuch hota hai umar tum nahi samjhoge, kyunki bade bade deshon mein aisi choti choti baatein hoti rehti hain señorita, hum dil wale hain और दिल वाले दुल्हनिया ले ही जाएंगे। और ये सो फाइनली जो है वो खाना वगैरह स्टार्ट हो चुका है, सही है। अभी हम लोग खाएंगे जो भी ये लोग मेन्यू में रखते हैं,
मतलब मुझे तो बिल्कुल बफे वाला इन्होंने सीन किया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से कुछ खाएंगे क्योंकि इन लोगों ने ये देखो सारा ये सिस्टम रखा हुआ है। हम लोग यहाँ से खाएंगे क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। मैं बस आप लोगों को वो दिखाती जा रही हूँ, वो जो मीटिंग वगैरह होती है वो। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग घर जाके भी खाएंगे क्योंकि मम्मा ने मना किया था किसी स्टॉल से खाना वगैरह नहीं लेना। तो लेट्स अब हम लोग खाएंगे खाना, उसके बाद जाएंगे घर और फिर आप लोगों को मेन्यू में क्या है। चावल है, सालन है, नान है, हम खाएंगे ढूंढेंगे और बस। सब लोगों को जो है ना कुल्फी यहाँ पे मिली है, इसलिए हम सबको यहाँ पे उन्होंने बिठा दिया। जैसे मेरी एक दोस्त है, ठीक है, और ये कहती है कि मुझे फ्रंट कैमरा से लो क्योंकि उसको फ्रंट कैमरा में ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं ले रही हूँ अपने आप को फ्रंट कैमरे से। आई ना कभी भी मैंने यूँ करती हूँ ना हमेशा, लेकिन अभी हम यूँ करें तो कुल्फी वगैरह मिलती है। कुल्फी कब से आइसक्रीम वगैरह मिलती है तो वो खाते हैं। अच्छा गाइस, दो छोटे बच्चे मिले हैं मुझे सही। अच्छा, नाइन्थ क्लास में आपके सामने वाली क्लास। अच्छा भाई, सामने वाली क्लास है। ठीक है, इन्होंने ब्लॉग में आना था तो मैंने ले लिया। हेलो कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डू सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब गाइस। ओके, सब्सक्राइब टू सिस्ट्रोलॉजी। ओके, तो फाइनली हम लोग को कुल्फी मिल चुकी है जो कि पिघली हुई है, बट हम लोग खाएंगे। ठीक है, लेट्स ईट। और गाइस, सो मुझे एक बड़े मतलब दूर के रिश्तेदार टाइप मिले। हेलो। और यहाँ पे वो फोटोग्राफी करते हैं, बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर है। हेलो कर दे। हेलो, आपके बच्चों को भी हेलो। हेलो इनके बच्चों, क्या नाम था आपके बच्चों? शहजाद और नसीबा। अच्छा हाँ, वो मुझे याद आ गया, वो पहले ना नेबर्स होते थे हमारे, नेबर्स होते थे नसीबा वगैरह। हेलो। और गाइस, सो फाइनली मुझे ये लोग लेने आए हैं, और मैं क्या देख रही हूँ कि मुझे राबिया लेने आई है स्पेशल। स्पेशल लेने आई हूँ तो मैं आज इज्जत से तो जरा खुश हो जाओ। और साथ मम्मी लेने आई है। हेलो मम्मी। यार मैं इतना ज्यादा थक गई ऊपर से, तुम्हें पता है राबिया वो था, फॉर्मल डिनर था, बिरयानी थी, नान था, वो था, हम ले रहे थे। शादी जैसे लग रहे थे, शादी जैसे उन्होंने बिल्कुल डिकोर किया हुआ था। शौकिया मारना बस कर दो, मेरा भी इवेंट आने वाला है बेटा। यार आपके इवेंट पे भी मैं जाऊंगी, सो यार डज दैट मैटर। चलो खैर, अभी हम मम्मा ने बता नहीं कोई शॉपिंग करनी है, वहाँ चलते हैं। तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने ज्यादा नहीं खाया, नॉर्मल खाया बस, सही है। तो अभी घर जाके आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, सो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे, अब मेरी बारी है सोने की। तो अगर आप लोग ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो में कैसी बनाऊं। बल्कि नेक्स्ट वीडियो तो मैं डाली कवाली नाइट की, मेरी कल सुबह कवाली नाइट है, तो मैं जाऊंगी और उसका भी व्लॉग बनाऊंगी। तो लेट्स गो, बाय बाय, लव यू।